दोस्तों, स्वाद घर का चैनल में एक नई रेसिपी के साथ आपका स्वागत है। अमरूद स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी फल है, क्योंकि अमरूद में विटामिन सी, फाइबर, प्रोटीन और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमें अमरूद के सीजन में एक अमरूद रोजाना खाना चाहिए। आज हम अमरूद की सब्जी बनाने जा रहे हैं, जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए अमरूद की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन सब्जी बनाने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्जी को लाइक कमेंट भी कीजिएगा तथा फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, सब्जी बनाना शुरू करते हैं। हमने 500 ग्राम अमरूद लिए। अब इन अमरूद को हम काट लेते हैं। अमरूद ज़्यादा पके भी नहीं होने चाहिए और ना ज़्यादा हरे हों। हमने यहाँ पर हरे अमरूद लिए, इसलिए काटने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन हरे अमरूद की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए, इस तरह से हमने पीस किए हुए हैं। आप लंबे पीस भी कर सकते हैं। अब अमरूद हमने काट लिए हैं, अब इनके बीज हम हटा देंगे, क्योंकि अमरूद के बीज सब्जी में जरा भी अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि बीज बहुत सख्त होते हैं और पक भी नहीं पाते हैं। अब हमने अमरूद सारे काट लिए हैं और इनके बीज भी निकाल लिए हैं। अब इन कटे हुए अमरूद को बाउल में कर लेते हैं और सब्जी बनाना शुरू करते हैं। पैन को गैस पर मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। पैन गर्म हो जाने पर दो चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें एक चम्मच जीरा और एक पिंच हींग डालेंगे। जीरा भुन जाने के बाद जो अमरूद हमने काट कर रखे थे वो डालेंगे। अब इन्हें चला देंगे। चलाने के बाद एक चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर मिक्स करेंगे। इसके बाद पौन कप के करीब पानी डाल देते हैं। फिर इसे ढक देंगे। सब्जी को अच्छी तरह से पकने में 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। 2 मिनट बाद हम सब्जी को चला देंगे। थोड़ी देर के लिए ढककर सब्जी को पकने देंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं सब्जी अच्छी तरह पकी ही नहीं अभी। सब्जी पूरी तरह से पक चुकी है, तो अब हम एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच अमचूर पाउडर
निकाल कर मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मसालों को कम या ज़्यादा अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद 3 चम्मच चीनी डाल देंगे और फिर से इसे मिक्स करेंगे। मुझे खट्टा मीठा ज़्यादा पसंद है, इसलिए चीनी और अमचूर पाउडर ज़्यादा डाला है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद 1 मिनट के लिए फिर से ढककर रख देंगे, जिससे चीनी और मसाले अमरूद के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब सब्जी बनकर तैयार हो गई है। गार्निशिंग के लिए हम चॉप किया हुआ हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे। अब अमरूद की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इस सब्जी को आप चपाती, पूरी और पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि ये सब्जी कैसी बनी है। अमरूद की सब्जी की वीडियो देखने के लिए थैंक्स।